अगर आपका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा की कियोस्क ब्रांच में है, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा की सब ब्रांच जो कियोस्क ब्रांचेस होती हैं छोटी छोटी, उनमें अगर आपने अपना अकाउंट ओपन कराया हुआ है और आप चाहते हैं कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के मेन ब्रांच में उस अकाउंट को ट्रांसफर करा लें, तो इसके लिए आप कैसे प्रोसेस करेंगे, कियोस्क अकाउंट को मेन अकाउंट में बैंक ऑफ बड़ौदा के कैसे शिफ्ट करना है, कैसे ट्रांसफर करना है, या फिर अगर आपने किसी दूसरे जगह का बैंक ऑफ बड़ौदा की कियोस्क में अकाउंट ओपन कराया हुआ है, या फिर आप उसे किसी अपने दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कराना चाहते हैं, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच अगर आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं, कियोस्क से अगर आप मेन ब्रांच में बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आप प्रोसेस कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, बताता हूं कैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा में कियोस्क से मेन ब्रांच में अपना अकाउंट ट्रांसफर करा सकते हैं, या फिर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा अपना अकाउंट ट्रांसफर करवा सकते हैं। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दो फाइल के लिंक मिलेंगे, एक पीडीएफ फाइल और दूसरी मिलेगी वर्ड फाइल। दोनों फाइल्स को आपको डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आप पीडीएफ फाइल ओपन करेंगे। ओपन करेंगे पीडीएफ फाइल तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ये एप्लीकेशन आपके सामने ओपन होगा। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर जैसे ये शाखा कैमूर एमपी लिखा हुआ है, तो इसे आपको क्या करना है, या तो आप इसे एडिट कर लेंगे या तो फिर इसे आप काट देंगे और अपनी शाखा का नाम लिख लेंगे जहाँ पर भी आपका अकाउंट अभी ओपन है, लेटेस्ट में जहाँ पर चल रहा है। जैसे कि हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पर चल रहा था, इसलिए हमने इसे ट्रांसफ़र कराया है मेन ब्रांच में, जो कि कियोस्क का अकाउंट था ये। अब हमने इसे मेन ब्रांच में ट्रांसफ़र कराया हुआ है, तो यहाँ पर ये शाखा जो लिखा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा SEC कॉलोनी कैमूर, इसको भी आपको एड्रेस चेंज कर लेना है। जहाँ का भी आपका बैंक का एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको डालना है अकाउंटेंट नेम, यानी कि जो भी खातादार है, अकाउंट होल्डर है, उसका नाम आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद यहाँ पर पूरी डिटेल फिल करनी है, अपना पूरा पता। यहाँ पर आपको अपना वो मोबाइल नंबर देना है जो कि आपके मोबाइल नंबर अकाउंट से लिंक है। इसके बाद यहाँ पर डेट आपको देनी है, डेट आप वो देंगे जब आप अपना अकाउंट ट्रांसफ़र कराने के लिए जाएंगे। इसके बाद ये सब्जेक्ट में आपको मेरा बचत खाता बस करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है बैंक ऑफ बड़ौदा का, जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद नीचे अगर आप जैसे कोई और फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी दी गई हैं, जैसे कि आपको अगर स्टेटमेंट निकालना है तो दिनांक ये से लेकर ये तक आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, या फिर आप किसी का नाम जोड़ सकते हैं या कटवा सकते हैं। तीसरे में अगर आप ATM के लिए देना चाहते हैं पर्सनलाइज्ड या फिर नॉन पर्सनलाइज्ड, तो यहाँ पर आप इसको चेक कर दीजिए तीसरे पे, या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग लेना चाहते हैं तो चौथे पे चेक कर दीजिए। यहाँ पर आप TDS प्रमाण पत्र जारी करवाना चाहते हैं तो पाँचवा चेक कर दीजिए। अगर आप अपने खाते में मोबाइल नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं तो छठवा कर दीजिए। अगर आपको पासबुक जारी करवानी है तो सातवें पे चेकबॉक्स कर दीजिए। इसके बाद अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो आठवें पे अपना एड्रेस लिख के आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो मेन 10th पॉइंट है वो आपको आपकी कियोस्क से मेन ब्रांच में ट्रांसफ़र कराने के लिए यहाँ पर लिखना है, मेरा खाता क्रमांक। इसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है, कोई शाखा जहाँ पर भी अभी आपका ये चल रहा है। फिर इसके बाद IFSC क्रमांक दे देना है, खाली स्थान में ट्रांसफ़र किए जाने का कष्ट करें, छोटी सी आपको ये पॉइंट मेंशन कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था मेरा खाता क्रमांक ये को शाखा विजरावगढ़ IFSC क्रमांक यहाँ ट्रांसफ़र किए जाने का कष्ट करें, यानी कि मेरे को इस अकाउंट को शाखा विजयराघवगढ़ में जिसका IFSC क्रमांक ये है मैं ट्रांसफ़र किया जाए। इसके बाद यहाँ पर आप एप्लीकेंट के सिग्नेचर कर देंगे। ये अगर आप अपने जो राज्य के अंदर ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो आप ये प्रोसेस करेंगे। कहीं कहीं पे अगर आप राज्य के बाहर कराना चाहते हैं तो आपको एक एफिडेविट भी देना होता है। कई बैंकों में तो राज्य के अंदर भी एफिडेविट मांगता है, तो एफिडेविट आप कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक 50 रुपये की स्टाम्प लेना है आपको, 50 रुपये का स्टाम्प लेने के बाद आपको लिखना है समक्ष श्रीमान नोटरी महोदय तहसील। इसके बाद जहाँ पर भी आप ये नोटरी बनवा रहे हैं तो उसका तहसील का नाम, जिले का नाम आपको लिख लेना है। इसके बाद प्रस्तुत करने बाद बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा, जैसे यहाँ पर लिखा है जिस भी शाखा में आप दे रहे हैं वो आप लिखेंगे, यहाँ पर स्टेट का नाम।
यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैं रामदयाल बर्मन, पिता जीवन लाल बर्मन, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी ग्राम विजरावगढ़, तहसील विजरावगढ़, जिला कटनी का स्थायी निवासी, शपथ पूर्वक कथन करता हूँ। यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है यह कि मैं शपथकर्ता उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ। दूसरा यह कि मुझ शपथकर्ता का खाता क्रमांक, तो आपका जो भी अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद आपको शाखा मेंशन करनी है, किस शाखा में है, मैं बचत खाता खुला हुआ जो कि वर्तमान में चालू स्थिति में है। तीसरा आपको लिखना है यह कि मैं शपथकर्ता अपना उक्त खाता क्रमांक, फिर आपको खाता क्रमांक लिखना है, फिर आपको शाखा लिखनी है जहाँ पर भी अभी चल रहा है, फिर जिला लिखना है, राज्य लिखना है, फिर यहाँ पर से शाखा, अब आपको जहाँ पर ट्रांसफ़र कराना है उसकी शाखा, उसका IFSC, उसका जिला और उसका राज्य का नाम लिखना है। इसके बाद नीचे आपको सत्यापन कर देना है, जैसे कि ये लिखा हुआ है रामदयाल बर्मन सत्यनिष्ठा पूर्वक सत्यापन करता हूँ कि 1 से 4, 1 से 3 तक जो भी ये कंडिका है सारी सही है। तो इसका प्रिंट आपको निकालना है 50 रुपये के स्टाम्प पे और इसे नोटराइज कराना है। साथ में आपको ये एप्लीकेशन और ये एफिडेविट देना है अपनी शाखा में ले जाके जहाँ भी आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, और आपका कियोस्क से मेन ब्रांच में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना अकाउंट ट्रांसफर करवा सकते हैं, कियोस्क से मेन ब्रांच में या फिर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में आप कैसे अकाउंट अपना ट्रांसफर करा सकते हैं। गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर इनेबल करें। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।